एक शब्द है लताड़। तो इस वीडियो में लताड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शब्द को। देखिए, जनरली लताड़ जो है ये शब्द लात से बना है। लात का मतलब क्या होता है? लात का मतलब पैर, और लताड़, लताड़ मतलब पैर से मारना, किकिंग करना, किक करना, किकिंग करना, मतलब लताड़, मतलब लतियाने की क्रिया को हम लताड़ बोलते हैं। जबकि लताड़ का जो भाव है वो है झिड़की, डांट, दुत्कार, धिक्कार, तिरस्कार, फटकार, लानत, मलामत, अपमान, कड़ी शब्दों में निंदा, बेजती, जिल्लत, रुसवाई, लात, ठोकर, लत्ती, मतलब लताड़। शाब्दिक अर्थ में लताड़ का मतलब लात मारना होता है, लेकिन अगर इसका भाव समझेंगे तो किसी को डांटना, फटकारना मतलब होता है लताड़ का। इंग्लिश में लताड़ को बोलते हैं कर्स और शेम अपॉन एनीवन, मतलब डैम, डैमिनेशन, एक्रेशन, इंसल्ट, डिसग्रेस, डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट, इम्प्रिकेशन, मेलडिक्शन, रिब्यूक, मॉर्टिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, रेप्रीमेंट, स्कॉल्डिंग, किकिंग एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं लताड़ के। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि जरूरत के मुताबिक लताड़ और उसी में छिपा है प्यार, मतलब वह इंग्लिश में स्कॉल्डिंग एज पर नीड एंड लव इज हिडन इन इट, मतलब लताड़ में। दूसरा एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको तगड़ी लताड़ लगाई, मतलब वह इंग्लिश में द सुप्रीम कोर्ट रिप्रीमेंडेड हिम सीवियरली। तो यहां पर रिप्रीमेंडेड का मतलब डांट फटकार करना, लताड़ लगा, ठीक है। तो मैंने आपने लताड़ शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।